बाबर आजम का सपना नंबर वन हो अपना। दरअसल पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने क्रिकेट के अपने सबसे बड़े सपने का खुलासा किया है। बाबर आजम ने बताया है कि वो कौन सा सपना था जिसे देखकर उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। चलिए आपको बताएंगे कि क्या कहा है बाबर आजम ने अपने सपने को लेकर। लेकिन उससे पहले आपको करना है एक छोटा सा काम। काम आपको क्या करना है, आपको स्पोर्ट्स क्रीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, ताकि खेल जगत की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे तेज और सबसे पहले मिल सके। तो हम बात कर रहे थे बाबर आजम के सपने की, वो सपना जिसे देखते हुए बाबर आजम ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। तो बाबर आजम ने हाल ही में अपने सपने को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। बाबर आजम ने बताया है कि वो क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में नंबर वन बनना चाहते हैं और ये सपना देखकर ही उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। इसी सपने को जीते हुए वो धीरे 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 करके क्रिकेट की एक एक उपलब्धियों को हासिल करते जा रहे हैं, सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते जा रहे हैं। दरअसल क्या कहा नंबर एक के अपने सपने को लेकर बाबर आजम ने, चलिए सबसे पहले आपको यह बताते हैं। बाबर आजम ने कहा, मेरा सपना तीनों फॉर्मेट में नंबर एक बनने का है, लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है। मैं इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं। तो सुना आपने क्या कहा बाबर आजम ने। बाबर आजम ने कहा कि उनका सपना है कि वो तीनों ही फॉर्मेट में नंबर वन बन जाएं। वैसे आपको बता दें कि बाबर आजम व्हाइट बॉल फॉर्मेट में, चाहे वनडे क्रिकेट हो चाहे टी20 क्रिकेट हो, इसमें नंबर एक पर काबिज हैं। लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में, क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट में, बाबर आजम की जो रैंकिंग है वो नंबर पांच है। टेस्ट क्रिकेट में अगर हम फैब फोर की बात करें तो इसमें स्टीव स्मिथ का नाम आता है, विराट कोहली का नाम आता है, केन विलियमसन का नाम आता है और जो रूट का नाम भी फैब फोर में आता है। लेकिन अगर हम फैब फाइव की बात करें तो फैब फाइव में पांचवें नंबर पर आते हैं बाबर आजम। और कुछ दिन पहले कुछ इसी तरह का बयान जो है वो दिनेश कार्तिक ने भी दिया था। आईसीसी की रिव्यू मीटिंग में उन्होंने कहा था कि बाबर आजम में वो दमखम है कि ये खिलाड़ी जो है तीनों फॉर्मेट में नंबर वन बन सकता है। चलिए आपको बताते हैं दिनेश कार्तिक ने क्या कहा था बाबर आजम को लेकर। बाबर आजम को लेकर दिनेश कार्तिक ने कहा था कि बाबर आजम तीनों फॉर्मेट में नंबर वन बनने की काबिलियत रखते हैं। टेस्ट क्रिकेट में फैब फोर में विराट कोहली, जो रूट, केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ का नाम शामिल है। इसके अलावा बाबर आजम एक पांचवां खिलाड़ी है जो काफी प्रभावशाली रहा है, और आने वाले वक्त में अगर पाकिस्तान के कप्तान इसी तरह से कंसिस्टेंट रहे तो वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होंगे। तो कुछ दिन पहले दिनेश कार्तिक ने यह कहा था कि बाबर आजम में वो सारी खूबियां मौजूद हैं, वो सारी काबिलियत है कि वो तीनों ही फॉर्मेट में दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज बन सकते हैं। अब दिनेश कार्तिक की बात का जवाब देते हुए ही बाबर आजम ने कहा है कि वो तीनों फॉर्मेट में नंबर वन बनना चाहते हैं और वो उसी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसी बात को लेकर बाबर आजम ने आगे भी काफी कुछ कहा है। चलिए आपको बताते हैं और क्या क्या कहा है बाबर आजम ने। बाबर आजम ने कहा कि बेशक एक खिलाड़ी के तौर पर आपका सपना होता है कि आप हर फॉर्मेट में नंबर वन बने, और उसके लिए तो आपको फोकस और मेहनत करने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक दो फॉर्मेट में नंबर वन खिलाड़ी हो तो आप किसी भी चीज को हल्के में ले सकते हो। अगर आपको नंबर वन बनना है तो आपको तीनों फॉर्मेट में नंबर वन बनना है, तो लगातार फिटनेस पर मेहनत करनी होगी और ट्रैक पर रहना होगा। लगातार क्रिकेट खेला जा रहा है और बीच में समय काफी कम मिलता है, उसके लिए आपको और ज्यादा फिटनेस पर मेहनत करने की जरूरत होती है। मैं इसी के लिए तैयारी कर रहा हूं। लिमिटेड ओवर के फॉर्मेट में सब कुछ ठीक चल रहा है और उम्मीद करता हूं कि टेस्ट क्रिकेट में भी ऐसा ही कर पाऊंगा। तो बाबर आजम का कहना है कि लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन हाँ, टेस्ट क्रिकेट में अभी और मेहनत करने की जरूरत है नंबर वन बनने के लिए, और यही उनका पहला सपना भी है। और इसी सपने को देखते हुए बाबर आजम ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा क्या है बाबर आजम का बड़ा सपना और कैसे इसको वो हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत भी करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो स्पोर्ट्स क्रीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि खेल जगत की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे तेज और सबसे पहले मिल सके। तो अपने दोस्त प्रदीप सहगल को दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।